सो हेलो गाइस, हाय हेलो। सो आज हम लोग आए हैं एप्पल शोरूम में मैकबुक लेने के लिए। सो चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एक नया रीसेंट लैपटॉप एप्पल का लैपटॉप अरे कहना क्या चाहते हो। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एप्पल ने एक नए चिप का M2 प्रो चिप का जो लैपटॉप है वो अनाउंस किया है मैकबुक। तो आज हम लोग उसको परचेज करने चाह रहे हैं, तो लेट्स गो। हम लोग शोरूम के अंदर जा रहे सो गाइज, टू डेज बैक आई परचेज माई ड्रीम लैपटॉप मैकबुक प्रो विद रिसेंटली रिलीज्ड M2 प्रो चिप। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं उसी मैकबुक का। लेकिन रिव्यू से पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक क्लिप जिसमें हमने अनबॉक्सिंग की है अपने नए मैकबुक की। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे चेहरों पर कितनी खुशी है। ये एक सालों पुराना सपना है जो आज जाके पूरा हुआ है, एक मैकबुक प्रो लेने का। सो मैं आज आपको इस वीडियो में इसी मैकबुक के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। बेसिकली ये एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, दिस इज मैकबुक प्रो 14 inches विद 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ स्टोरेज। और अभी तक तो मैंने विंडोज ही चलाया, तो जब मैंने 512 GB ऑफ स्टोरेज सुना तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये आया। एंड ऑल्सो दिस मैक कम्स विद द M2 प्रो एप्पल सिलिकॉन चिप विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड ऑन 17 January 2023। एंड बिलीव मी गाइज, दिस मशीन इज एक्चुअली अ बीस्ट व्हेन इट कम्स इन एक्शन, बिकॉज इसमें मैंने बहुत से क्रोम टैब्स चलाए, बहुत सारे ऐप्स साइमल्टेनियसली चलाए, लेकिन ये मशीन लैग होने का नाम ही नहीं लेती। और इतने हैवी लोड के बाद अक्सर जो लैपटॉप्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं, लेकिन एक खास बात इसमें है कि यहाँ पे पीछे फैंस दे रखे हैं, तो ये फैंस बहुत ही साइलेंटली वर्क करते हैं और इस मशीन को बिल्कुल गर्म नहीं होने देते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। सो ये मैकबुक प्रो आता है 1,99,900 के प्राइस टैग के साथ, और बहुत से डिस्काउंट्स भी वैसे तो iCredit स्टोर पे चल रहे थे। जैसे कि अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10,000 का कैशबैक मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आईडी है तो आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। हमारे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं था तो 10,000 वाला तो मिला नहीं हमें, लेकिन हाँ स्टूडेंट आईडी पे हमने 3% का कैशबैक लिया। इसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट हमें पड़ी वो पड़ी 1,93,903 की। एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मैक को अपने सामने देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ शौक पूरा करने के लिए हम लोगों ने नहीं लिया है। बेसिकली हमारे पास दो YouTube चैनल्स हैं, एक मेरा सागर कश्यप के नाम से और एक मेरे पापा का है अनिल कुमार कश्यप के नाम से। हम लोग उस पर रेगुलर कंटेंट डालना चाहते हैं और ज़्यादा उस पर ग्रोथ लेना चाहते हैं और ज़्यादा आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, जिससे कि आप भी अपने लाइफ के अलग अलग आस्पेक्ट्स में और ज़्यादा ग्रो कर पाएं, राइट? तो ये एक रीज़न था बहुत बड़ा कि हमें एक वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि जो हमारा पुराना लैपटॉप था जो कि HP का हम लोग यूज़ करते थे, 5-6 साल पुराना हो चुका था वो और बहुत ज़्यादा हैवी लोड वो नहीं ले पाता था। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और मैंने अभी तक एक दो ही वीडियो एडिट करके देखी हैं, एंड दी एक्सपीरियंस इज़ रियली अमेजिंग। और मैं जब स्कूल में था तो फिर हमेशा से ही स्टीव जॉब्स की बायोपिक और कीनोट्स देखा करता था, और अब टिम कुक की, तो हमेशा से एक एस्पिरेशन था कि इस लेवल का टेक मेरे पास हो, और जो कि आज है भी। तो इस वीडियो की क्लोजिंग में एक लाइन से करना चाहूँगा कि ऑलवेज ड्रीम हाई, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू।